तो मेरा नमस्कार, हम लोग आज का टॉपिक है कि स्पेशल एजुकेटर का क्या रोल है लॉकडाउन की सिचुएशन में। कोरोना वायरस का जो महामारी का प्रकोप फैला हुआ है और हमारे आपके सजेशंस को हम लोग जो है हम इसको YouTube पर लोड करके हम पेरेंट्स को और जो चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड्स हैं सभी को हम लोग ये वीडियो देंगे। इसलिए एक एक करके, समय कम है, एक मिनट का समय है, एक मिनट में एक से डेढ़ मिनट आप समय लें और सबको मैं बोलने का मौका दूंगा और लास्ट में हम लोग पैनल ऑफ डिस्कशन करेंगे और जो अच्छे स्पीकर्स रहेंगे बाद में हम लोग उनको सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड करेंगे। ये हम लोग सेमिनार के रूप में, ऑनलाइन सेमिनार के रूप में हम लोग ने इसको प्लानिंग किया है। तो जो जिनका अच्छा पॉइंट्स रहेगा आप उनको हम लोग एज ए ऑफिस ऑफ स्टेट कमिश्नर पर्सन विद डिसेबिलिटी की ओर से हम लोग आपके जो सजेशन जो अच्छे लगेंगे वो उसको हम लोग नोट कर रहे हैं, उस सजेशन को फिर हम लोग पब्लिकली देंगे और जो अच्छे स्पीकर्स होंगे उनको हम लोग सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड करेंगे। तो ये चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और मैं एक एक करके करूंगा। मेरे पास पंकज। गुड आफ्टरनून सर, माइसिल रेनू बहारी, पंकज बहारी, शायद नेम रजिस्टर्ड इस नंबर से, नाम से है, मेरे हस्बैंड के नाम से, इसलिए श्योर है। माइसिल रेनू बहारी, आई एम वर्किंग एज अ स्पेशल एजुकेटर फ्रॉम लास्ट 10 इयर्स इन दिल्ली इंक्लूसिव स्कूल, एज वेल एज आई एम अ मॉम ऑफ 21 इयर्स ओल्ड ऑटिस्टिक बॉय आल्सो। अच्छा अच्छा, तो माय स्पेशलिटी इज इन एमआर ऑटिज्म इन एलडी। Nowadays, I'm dealing with all sorts of things. Yeah. Tell me, what is your suggestion? You have put on. Sir, exactly. Can you? Especially in this lockdown time, especially इस lockdown के समय में, जैसे हम लोग one to two session बच्चों के नहीं ले पा रहे, हमारे school जैसे conduct कर रहा है Microsoft Teams पर sessions हो रहे हैं, लेकिन वहाँ पर मेरा part ये है कि मैं one to one session WhatsApp call के through, Zoom call के through, I'm taking up session. पेरेंट्स की बहुत क्वेरीज आती है कि बच्चे बहुत एंग्जाइटी इश्यूज हो रहे हैं, हाइपरएक्टिव बच्चे हैं, कैसे टिकाए, तो उनको कुछ एक्टिविटीज भेज दिया करते हैं, वन टू वन बच्चों का सेशन ले लिया करते हैं। बच्चों की जैसे बच्चों के साथ बॉन्डिंग लेवल इतना अच्छा हो गया कि बच्चों को बहुत तसल्ली हो जाती है कि मैम आई, मैम ने हमसे बात की, बच्चे क्या फील कर रहे हैं, हाउ टू डील विद इट, उनका स्ट्रेस लेवल। और छोटी छोटी चीजों में कोशिश रहती है कि बीइंग इन टू अ स्पेशल एजुकेटर और काउंसलर, आई शुड हेल्प देम एज मच एज पॉसिबल। बहुत बढ़िया। तो आप अभी कहाँ काम कर रही हैं? I am working with Venkateshwar Global School, sir, sector 13, Rohini। अच्छा, ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो मैं पुनः जो मैं अभी देख रहा हूँ करीब 45 जुड़ चुके हैं, तो मैं पुनः सभी को स्वागत कर रहा हूँ। डॉक्टर शिवाजी कुमार, अभी वर्तमान में मैं स्टेट कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार। अभी हम लोग लगातार पिछले लॉकडाउन में लगातार हम लोग विभिन्न मुद्दों पर हम लोग पर्सन विद डिसेबिलिटी, पेरेंट्स, सोशल वर्कर, थेरेपिस्ट और आज स्पेशल एजुकेटर का हमने रखा है, जो आप लोग में से अच्छे सजेशंस देंगे उनके लिए हम लोगों ने एक सर्टिफिकेट का ही प्रोग्राम प्लान किया है। रेनू भारती जी हैं आप। अब सर ऐसे में यही पार्ट रहेगा कि अगर हम लोग बच्चों के साथ डायरेक्टली नहीं कनेक्ट हो पा रहे, फिर भी हमें अपने वन टू वन सेशंस नहीं रोकने चाहिए, पेरेंट के साथ हमें एक पर्सनल टच देना पड़ेगा। इस वक्त यहाँ हमें सर्विस देने की जरूरत है। आई एम ऑल्सो बीन एसोसिएटेड विद एसोसिएशन ऑफ ARPP के साथ, मैं लाइफ टाइम मेंबर हूँ, मैं वहाँ भी एज अ NGO मतलब ऐसा सर्विस दे रही हूँ, एज अ वॉलंटियर, एज अ फ्रीलांसर, कि अगर इनके किसी पेरेंट को जरूरत है। इस टाइम सर हमें बाकी सब चीजें छोड़ के ना दुनिया हर तरह से हेल्प कर रही है इन स्पेशल बच्चों की हेल्प करने के लिए। आई थिंक स्पेशल एजुकेटर की पूरी कम्युनिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हियर ओनली इन दिल्ली ओनली, ऑल ओवर द वर्ल्ड सबको एक साथ होकर ना बच्चों के पेरेंट्स की प्रॉब्लम को समझना चाहिए और बच्चों को जितना पॉजिटिव एटीट्यूड दे सके हमें वो देना चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया। ये अनु धवन जी हैं, आप बोलना चाहेंगे?
गुड आफ्टरनून सर, मैंने आज ही जैसे लिंक देखा तो आई वांटेड टू अटेंड दिस कॉल अपने रोल्स के बारे में और ज्यादा अच्छा जानने के लिए कि कैसा लग रहा है आपको। I really wanted to attend this meeting कि मुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा। अभी तो I am working in DLDAV पीतमपुरा, तो we are taking online sessions for special needs और जो हमारे EWS sections हैं DAVs में, there are EWS sections। अभी तो मैं basic शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश में काम कर रहा हूँ। आपका क्या है, आपकी suggestion जो अभी lockdown के situation में हम लोग तो ये सर कि जैसे पेरेंट्स से कनेक्ट करके उनके जो डेली एक्टिविटीज है वो बच्चों में शेयर करें, वीडियोज वगैरह। तो आप क्या कुछ कर रहे हैं इस तरह के वीडियोज हमारे एनसीईआरटी वगैरह पे काफी अच्छे। जी सर, क्या सर? मेरा ये मानना है कि हर जो स्पेशल एजुकेटर्स हैं लाइन पर, सभी लोग या तो आप एक छोटा सा वीडियो बनाए या ऑनलाइन या इस कोई जरिए, बहुत सारे ऐप हैं जिसके थ्रू जो है ऑनलाइन बच्चे को एजुकेशन देने का प्रयास करें। मैं इसी के लिए मैं आज इस तरह का कार्यक्रम किया हूं कि जैसे कि हम लोग इस लॉकडाउन की सिचुएशन में ऑनलाइन बच्चे के साथ हम लोग उनके साथ एनसीईआरटी पे सर ई पाठशाला करके एक ऐप्स है, उस पे बहुत अच्छे अच्छे वीडियो हैं जो मतलब स्पेशल बच्चे भी उसको देखकर पढ़ सकते हैं आराम से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और सामाजिक सरोकार और जो भी मुद्दे हैं उस इशू को ध्यान में रखते हुए सारे वीडियो बनाए गए। क्या आप कुछ शेयर कर सकते हैं कुछ वीडियो? नहीं, अभी वहां से कॉपी करना पड़ेगा। कोई बात नहीं है, आप हम लोग इसी के लिए हम लोग अभी हैं। कोई बात नहीं, अब 58 पार्टिसिपेंट्स हैं एक इसमें दो में, तो नेक्स्ट चलिए अच्छी बात है। और अभी देख रहा हूं का देख रहे हैं सर। अच्छा, हमारे बीच हम संदीप कुमार जी हैं सर। अभी जो लॉकडाउन का सिचुएशन है और उसमें हम लोग से ट्रेनिंग करा सकते हैं सर? अभी मैं यहाँ से ट्रेनिंग करवा भी रहा हूँ अपने जो एथलीट्स हैं, जो स्पेशल एथलीट्स हैं या जो फिजिकली जो मेरे पास हमारे पास करते हैं, उन लोगों को मैं कैसे करवा रहा हूँ। तो सर उनके लिए हम लोग लेसन प्लान बना सकते हैं, आप स्पेशल एजुकेटर भी है तो लेसन प्लान बना सकते हैं कि उनको करना या एक्सरसाइज का जो भी प्लान होता है वो एक बना सकते हैं। और जो हमारे एथलीट्स हैं या जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम लोग दे सकते हैं, उनके मम्मी पापा के व्हाट्सएप पे दे सकते हैं, उनको दे सकते हैं। इवन हम कुछ हमारे स्टूडेंट्स हैं सर जो डेली प्रैक्टिस करते हैं, डेली उनका वर्कआउट का प्लान मैंने बना के भेज रखा है, तो वो उनको करते हैं और उनका वीडियो बना के मुझे डेली शेयर भी करते हैं, तो मैं देखता हूँ कि वो क्या कर रहा है। बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं, सबको अपने अपने घर पे कर रहे हैं ऐसा नहीं। और उन लोगों को जागरूक भी हम लोग करते रहते हैं कि जैसे कि मैंने पहले भी बोला था सर कि 21 दिन का लॉकडाउन है, 21 दिन में कोई भी आदत चेंज हो सकता है। अगर आप सोए रहेंगे तो आलसी होने का भी आदत लग सकता है आपको, तो उसको चेंज कर सकते हैं। अभी और लॉकडाउन का कई राज्यों ने घोषणा किया, अभी लॉकडाउन का स्थिति और बढ़ सकती है, इसीलिए हम लोग उसकी हमारे बच्चे का बिहेवियर चेंज हो रहा है। हमारे बच्चे जो सीखे हुए हैं तो सबसे अच्छा है फन गेम्स, घर छोटा सा जगह आवश्यकता होती है। तो कुछ आप बता सकते हैं कुछ लोग कैसे करें? अवतार सिंह जी भी हैं और बाकी लोग भी। अवतार सर भी है यहाँ सर, नमस्ते सर। तो ये बोल रहा था सर कि जो फन गेम्स है सर, कम से कम पेयर होना चाहिए। हाँ, फैमिली वालों सबके साथ खेल सकते हैं, छोटा छोटा फन गेम्स है। कुछ बताइए कैसे। हाँ सर, उनको इन्वॉल्व रखना, उनको इन्वॉल्व रखना है तो बहुत सारा गेम हो सकता है सर, जैसे साइमन सेज है, घर पे बच्चों को करवा सिया सर, उसको अपने मॉडिफाइड करके करवा सकते हैं। क्लैपिंग ऑन द बॉल है, बहुत सारे गेम्स है सर जो स्पेस मतलब छोटा सा स्पेस में हम लोग उसको कर सकते हैं, या कुछ और भी कर सकते हैं सर, जैसे जंपिंग है, ये छोटा छोटा सा एक्सरसाइज है, ये सब हम लोग उसमें कर सकते हैं। जंपिंग से जंपिंग ऑन द स्पॉट है, और उसके अलावा योगा सर, योगासन भी करवा सकते हैं, वो भी फन वे में आप लोग योगासन भी कर सकते हैं। जो छोटा छोटा योगासन है जो एक जगह पे बैठ के आराम से और जिसको करने में ज्यादा एफर्ट भी नहीं लगता, जैसे कि बालासन है या सर्वांगासन है,
आप हलासन कर सकते हैं सर, पवन मुक्त आसन हो सकता है, मर्जरी आसन हो सकता है, जिससे फ्लेक्सिबिलिटी भी बना रहेगा और दिमाग, जैसे कि हम लोग बात करें लॉकडाउन में सर, अगर बढ़ सकता तो दिमाग में जो उत्पन्न होता है स्थिति या जो अभी बनता है कि आदमी अपने आप में कहीं अंदर से उसको अच्छा नहीं लगता है, वो खत्म हो जाता है, निगेटिविटी वर्ड है सर, निगेटिविटी चली जाती है कहीं ना कहीं, हम लोग ऐसा कर सकते हैं। घर में है उनको हम लोग अवेयर कर रहे हैं कि बाहर ना निकले, घर में रहें, सैनिटाइज रहें, और जिसे न्यूज़पेपर आती है उनके घर में हम लोग बोलते हैं एक नोट्स बना लो, डेली का न्यूज़ जो है अपडेट रखो,
इससे जी के आपका स्ट्रांग होगा और बिल्डअप होंगे और अपने मदर फादर को भी हेल्प करना घर में ताकि आप खाली ना बैठे। और भी कुछ खाली समय होता है तो घर के इंडोर एक्टिविटीज में आपको इन्वॉल्व रहना है, योगा करें, खेलें और बस इस तरह हम लोग बच्चों को इंकरेज कर रहे हैं। सुशील कुमार जी आप हमारे बीच हैं। सर यहाँ पर एक्चुअली कंप्लीट लॉकडाउन कर रखा गया है जिला द्वारा, तो हम लोग एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं कि जो हमारे पेरेंट्स हैं CWSN बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, तो चूंकि बच्चों से हम लोग डायरेक्ट बात नहीं हो पाता है जी। इस कंडीशन चूंकि हमारे बच्चे दिव्यांग हैं जी, तो पेरेंट्स से हम बात कर रहे हैं, पेरेंट्स से बात करके उनको जो ऑडियो विजुअल एड है वो सब एड हम दे रहे हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, और एक बच्ची को स्पेशली दो बच्चियों को हम स्पीच थेरेपी भी दे रहे हैं वाणी विकास हेतु। तो मेरा सर प्रयास है कि जो हम कम्युनिकेशन के माध्यम से बाय टेलीफोन या मोबाइल के माध्यम से दे सकते हैं जी, वो हम पूरा देने का प्रयास कर रहे हैं और चल रहा है कटिहार जिला में बच्चों को हम अच्छे से। बहुत बढ़िया, हम लोग ये हर आपकी जो सजेशंस हैं सारे लोग सुन रहे हैं और ये अभिभावक लोग को पेरेंट्स लोग को भी हम लोग जो है उपलब्ध कराएंगे। हमारे बीच जो है बहुत सीनियर है हमारे बीच विनोद भांति जी हैं जो काफी अनुभवी है, उनका 50 साल का अनुभव है। तो भांति साहब आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ मैं वैसे तो ऑब्जर्वर हूँ लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि अपने डॉक्यूमेंट्स को ठीक करें। एक बात अभी जो खुलकर आई कि अवेयरनेस ऑफ डायडेक्टिक टॉयज बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि पेरेंट्स को, और कहीं से गवर्नमेंट भी ऐसी स्कीम लाए ये उपलब्ध भी कराए जा सके, बल्क भी आजकल ऑनलाइन टेस्ट टीचर्स हैं क्योंकि डायरेक्ट। और दूसरी एक वार्निंग मैं लोगों को देना चाह रहा हूँ बहुत सी माताओं को कि मोबाइल दे देती है बच्चों को तो गेम्स होते हैं कि खेलो, बच्चे लाइक करते हैं लेकिन दिस शुड नॉट बी डन क्योंकि मदर का वो फेस फेशियल होती है। पेरेंट्स को एक घंटा आधा घंटा जो भी टाइम हो बच्चे के संग दे, मोबाइल मिनिमम दे क्योंकि अगर वो पेरेंट्स के फेशियल्स को देखना बच्चों को रिकॉग्नाइज करने से उनके डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स घटते हैं, दूसरा पेरेंट को खुद पता चलता है कि हमारे बच्चे ने आज क्या किया। इसलिए मोबाइल को जो गेम्स दिए जाते हैं ये एक वार्निंग है। मेरी बहुत प्रसिद्ध अमेरिकन उससे बात हुई तो वो कहते हैं बच्चों को मोबाइल गेम्स बिल्कुल मत दीजिए, थोड़ी देर आप दे सकते हैं लेकिन मदर पेरेंट या भाई बहन के संग हमारे बीच राजस्थान से है हमारे यूके पांडे जी हैं। पांडे जी नमस्कार। हाँ जी बिल्कुल, बताएं लॉकडाउन में आ रही आपके बाद लॉकडाउन में आप विशेष बच्चे को क्या करवा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा बता। गीतिका पाहुजा आप बोलना चाहेंगे? गुड आफ्टरनून सर, लाइक आई एम प्रेशर इन दिस, आई एम सॉरी, लाइक आई एम प्रेशर इन दिस फील्ड, आई एम बेसिकली फ्रॉम सहारनपुर, बट आई हैव ऑब्जर्व कि यहाँ पर लोगों के अंदर इस चीज के लेकर अवेयरनेस ही नहीं है। ऑल्दो आई एम हायर्ड एज अ स्पेशल एजुकेटर इन माई स्कूल बट अवेयरनेस की वजह से दे डोंट नो कि मेरा रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज क्या हैं। जोर से बोले, आवाज थोड़ा सा धीरे आ रही है, जोर से बोले जी। तो आप उसमें आपका क्या सुझाव है, सुझाव आप बताएं सर। अकॉर्डिंग टू मी हम लोगों को इस टाइम पे पेरेंट्स को काउंसिल करना चाहिए बिकॉज स्पेशल नीड चिल्ड्रन जो है वो फोन पर जो है कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे, तो हमें पेरेंट्स को गाइड करना चाहिए कि वो उन स्टूडेंट्स के साथ हमसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। अगर हम पेरेंट्स को गाइड करेंगे तो अपने बच्चे को और भी अच्छे से गाइड कर पाएंगे कि हम लोग तो उनको 3-4 hours पढ़ाते हैं बट पेरेंट्स के साथ सारा टाइम रहते तो उनको क्राइटेरिया वो टेक्निक आनी चाहिए अपने बच्चों को पढ़ाने की सो दैट कि हम उस बच्चे के अंदर ज्यादा प्रोग्रेस देख सकें। चलिए धन्यवाद। हमारे पास समय का अनुराधा जी हैं। शिवांशु शुक्ला जी नमस्कार, कैसे हैं सर? बिल्कुल अच्छे हैं, क्या चल रहा है बताइए। हेलो। हाँ शिवांशु जी बोलिए। हेलो, आवाज क्लियर नहीं आ रही? हमारे यहाँ सर जैसे कि आपका टॉपिक है कि लॉकडाउन के समय स्पेशल बच्चों को कैसे ट्रीट किया जा रहा है, तो उसके संदर्भ में बताना चाहेंगे कि हमारे यहाँ जो 50 डिसेबल्ड चिल्ड्रन हैं
उनको होम बेस्ड हम एजुकेशन प्रदान कर रहे हैं, मतलब हम उनको कॉल कर करके और उनकी चीजों को जान रहे हैं, कैसे उन बच्चों को ट्रीट कर रहे हैं, और जैसे कि हम यहाँ रखते हैं बच्चों को स्वयं, उसी तरह से हम उन बच्चों को उनके घर में भी सजेस्ट कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स से लगातार संपर्क में बने हुए हैं और उनके बारे में, बच्चों के बारे में जान रहे हैं कि क्या कैसा उनको, क्योंकि ऐसे बच्चे जो अंदर घर के ऐसी चीजें क्यों हो गई, तो इस तरीके से हम पेरेंट्स को गाइड कर रहे हैं सर। और आपका मध्य प्रदेश में तो स्थिति अच्छी नहीं है, अब लगातार में हम लोग को न्यूज आ रही है महाराष्ट्र से सटा हुआ है, तो हम हाँ सर, हमारे यहाँ इंदौर की स्थिति दयनीय थी और इसके बाद अब भोपाल भी उसी स्थिति में है, आज लगभग 68 जो है आए गए हैं और धीरे धीरे ये संख्या बढ़ रही है। बिल्कुल, तो अपना ध्यान रखें और खासकर हमारे बच्चे जो है उनका भी हम लोग ध्यान रखेंगे। हमारे पास लाल बहादुर जी हैं, आप जी बोलिए। सर मैं औरंगाबाद बिहार से हूँ सर, पारुल ब्लॉक से हूँ सर, और हम लोग सबसे पहले सर एक तो मेरा ऑलरेडी एचआईवी वाले बच्चों का एक ग्रुप बना हुआ था, तो वो जो ग्रुप था लगभग निष्क्रिय टाइप का हो गया था, लेकिन सर इस समय जो पहले जो व्हाट्सएप ग्रुप था मेरा सक्रिय रूप से काम कर रहा, और हम लोग सबसे पहले बच्चों को ये लॉकडाउन का मतलब बताए हैं एचआईवी वाले बच्चों को। और दूसरा चीज सबसे अच्छा काम की मतलब सुबह 11 बजे बच्चों को हम लोग काम देते हैं उस ग्रुप में, और शाम को रात में 8 बजे देते हैं, तो साइन लैंग्वेज के माध्यम से बच्चे हम लोग एक साथ हो जाते हैं, हम लोग कुछ पढ़ाई लिखाई सर हल्का फुल्का चलता रहता है, तो एक अच्छा सर वे कह लिए टेलीकॉन्फ्रेंसिंग एक अच्छा व्हाट्सएप हम लोग अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं, काफी बढ़िया सर चल रहा है। और ये आपका जो प्रयास है सर ये जो आज का जूम वाला बहुत अच्छा लगा सर, बहुत ही सार्थक हमको लग रहा है कि ये रहेगा सर आगे। और ये आपको मालूम नहीं मैं लगातार प्रत्येक दिन 1 बजे से अलग अलग टॉपिक पर सर, मुझे कल मैसेज मिला आपका, मुझे कल व्हाट्सएप पे, कोई बात नहीं क्योंकि आप स्पेशल एजुकेटर का कल जो है फिजियोथेरेपिस्ट का है, फिर उसके बाद पीएनडो का है, इसके बाद जो है हमारे सोशल वर्कर का, तो हम लोग सर मैं बीआरपी समावेशी शिक्षा ही हूँ सर, और मैं एमएसडब्ल्यू भी किया हूँ सर, तो अगर परसों नर्सों अगर रहे तो सर मैं भी, अगर आप मुझे लिंक शेयर करें तो मैं भी सर साथ में। बिल्कुल बिल्कुल, इससे अच्छा लगेगा सर। हाँ बहुत अच्छा है कि इस तरह हम लोग अपने बातों को। मल्लवी मिश्रा जी, मिश्रा जी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, यस बोलिए। सर एक्चुअली हम डेली हम ये कर रहे हैं कि हम डेली लाइफ से रिलेटेड कुछ वीडियोस पोस्ट करते हैं, जैसे कि पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, तो उन्हें जाके गार्डन में एक प्लांट ये दिखाया और फिर उसके पार्ट्स बताते हैं, और उनसे भी कहते हैं कि एक पॉट में एक प्लांट को वो प्लांट कर सकते हैं, जो मतलब वो घर में कर सकते हैं। कभी कभी लाइक नॉन फ्लेम कुकिंग के भी स्किल्स के लिए एक वीडियो बना के उनको देते हैं, ताकि वो फिर वो हमें फोटो भी भेजते हैं बड़े हैप्पी कि हमने आज टोस्ट बनाया या फिर मतलब लाइक सैंडविच बनाई है समथिंग, तो भेलपूरी एंड ऑल नॉन फ्लेम कुकिंग, तो ऐसे। और कुछ शीट्स वर्कशीट्स भी देते हैं और जिसकी वीडियो भी पोस्ट करके और व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करके भी उनसे हम कनेक्ट कराते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। हमारे बीच शिव शंकर कपूर जी भी हैं। शंकर कपूर हूँ, और मेरे ये लॉकडाउन के समय में जो काम किया उसमें भी एक बच्चे का मेरे पास फोन आया था लाइन इंदौर से ही कि मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, छोटे बच्चे का पेरेंट्स से बात हुई, तो अभी हम उसे एक मोबाइल एक्सेसिबिलिटी एंड्रॉयड एक्सेसिबिलिटी की ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं पूना से। इसके अलावा हैंड वॉश कैसे करना चाहिए एक ब्लाइंड बच्चे ने, उसके ऊपर मैंने खुद ने एक ऑडियो मैसेज व्हाट्सएप पर भेजा है एक डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ व्हाट्सएप कि आप लोग हैंड वॉश कैसे करना चाहिए, कितने स्टेप में हैंड वॉश होना चाहिए, तो इस तरह से हम कुछ छोटी छोटी एक्टिविटी करा रहे हैं। और मेरा मानना यह है कि जो पेरेंट्स घर में अपनी टीवी न्यूज़ और न्यूज़पेपर पढ़ने में लगाते हैं, तो स्टूडेंट जो बच्चे हैं उनका भी पार्टिसिपेशन हो सके इस ओर ज़रूर ध्यान देना चाहिए, और इसके लिए छोटी छोटी सी एक्टिविटी, जैसे ब्लाइंड बच्चा है तो उसके साथ हम लोग बोलते हैं कि कुछ चेस है और बॉल है तो पासिंग द बॉल ऐसे गेम्स खेल सकते हैं, अदर डिसेबिलिटी के बच्चे हैं तो कुछ पेंटिंग बनवा सकते हैं। अभी आईवे करके एक ऑर्गेनाइजेशन है दिल्ली में, वो डिफरेंटली स्टूडेंट्स के लिए इवेंट कर रहा है, और वो व्हाट्सएप में हो सकेगा तो जरूर शेयर करूँगा। इसी तरह से
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने DOPT ने कुछ गाइडलाइन जारी की है, वो भी एक दूसरे को अगर शेयर की जाए तो इन्फॉर्मेशन हम गवर्नमेंट के साथ मिलकर के और इस तरह से एक्टिव बच्चों का रोल और डिसेबल पीपल पॉपुलेशन का भी रोल हो सकता है इस लॉकडाउन में। बहुत बढ़िया, आप कृपया शेयर करें कि बाकी लोगों को भी हम लोग कर सकें। हमारे बीच रामजी चावला जी राजस्थान से हैं। नमस्कार रामजी चावला। नमस्कार सर, आप बड़े अनुभवी हैं, बड़े विद्वान हैं, आप बताइए अभी क्या कर रहे हैं सर। सबसे पहले